मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के अकाउंट में 4,40,00,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। सीएम हाउस कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम ने ये राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए गौठान में पैरा पानी छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दौरा कर गौठानों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गौठान समितियों की बैठक ली जाए। 551 गौठान है सर, जो निर्माणाधीन है, जो लगभग 5% है। भूमि विवाद और अन्य कारणों से सर 138 गौठान अभी भी प्रारंभ नहीं हुए हैं, पर 94% गौठानों का कार्य हो चुका है। शहरी क्षेत्र में सर 237 गौठान हमारे बन चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 8,753 गौठान बन चुके हैं और आवर्ती चराई में सर 1,011 गौठान पूर्ण हो चुके हैं। चलिए आगे। सर, गोबर खरीदी का हम पिछले साल की तुलना में इसी समय अवधि की तुलना करते हैं सर, तो पिछले साल 1 से 15 अप्रैल के बीच में जो गोबर खरीदी थी, लगभग उसी अनुपात में इस साल भी हो रही है। 2% की वृद्धि है सर और कुल खरीदी 112,00,000 क्विंटल की हो चुकी है। राशि 224 करोड़ की राशि हम गोपालकों को और गोबर विक्रेताओं को वितरित कर चुके हैं सर। इसमें सर जो 222 करोड़ का भुगतान अब तक हुआ है सर, उसमें 217 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 4,70,00,000 का भुगतान प्रक्रियाधीन है सर। और SHGs में 190 करोड़ का भुगतान हो चुका है, उसमें भुगतान राशि जारी हुआ है, उसमें 174 करोड़ का भुगतान हुआ है, 16 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। सभी किसान भाइयों बहनों को जय जोहार। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी की गई और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 4,40,00,000 रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया गया। इस योजना में अभी तक के 435,39,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज जारी की जा रही राशि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के गोठान में खरीदे गए 1,03,00,000 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 2,59,00,000 रुपया, गौठान समितियों को 1,06,00,000 रुपये और महिला समूह को 75,00,000 रुपये लाभांश की राशि शामिल है। गोबर खरीदी के काम में हमारे स्वावलंबी गौठान अब बराबर की भागीदारी निभाने लगे हैं। बीते कई महीनों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70% तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 50% से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, वे स्वयं के राशि से गोबर और गौमूत्र की खरीदी कर रहे हैं, साथ ही गौठान के अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। गोबर खरीदी के एवज में आज अंतरित किए जा रहे 2.59 करोड़ रुपए की राशि में से 1.24 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान स्वावलंबी गौठान के द्वारा किया गया। स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक के 49.21 करोड़ का भुगतान स्वयं के राशि से किया गया है। मैं सभी स्वावलंबी गौठान के साथियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही जो बातें आदरणीय रवि चौबे जी ने कही है कि गौठानों में चारा के पाने की छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जितने भी सीओ साहब सुन रहे हैं और यहाँ कमलप्रीत जी भी बैठे हैं, आयाज जी भी बैठे हैं, सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भ्रमण करें, देखें कि कौन किस किस गौठान में औचक निरीक्षण करें और वहाँ पानी के और छाया के और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करें और PHE से, पंचायत से, जहां से भी हो सके वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस साल की जो गर्मी है वो बहुत तीखा है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो घटनाएं घटी है वो अलार्मिंग है और इसलिए न केवल पशुधन के लिए बल्कि जो हमारे चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह पेयजल की व्यवस्था, सीएस साहब भी उपस्थित हैं, पानी के एक बार जल उपलब्धता के बारे में बैठक कर लें और नहरों से पानी भरने, जो तालाब से भरने का काम है वो तेजी से होना चाहिए। पानी
इधर उधर नालों में न बहें, ये भी देखें, क्योंकि जहां जहां बांध है और नहरों से पानी डालते हैं तो निश्चित रूप से उस उन स्थानों पे तालाब में भरते हैं तो उस गांव में उसका जल स्तर ऊपर आता है, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि आप उसे करें। गौठान समिति में अनिवार्य रूप से बैठक, कोई तिथि तय कर दें, बैठक करें ताकि पानी और छाया और चारा की व्यवस्था हो सके। हरा चारा की भी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कहा था, इसमें थोड़ी शिथिलता आई है अधिकारियों की तरफ से, उसे फिर से हम लोगों को देखना होगा। और जिस प्रकार से अभी अन्य गतिविधियों के बारे में, चाहे गोकास्ट बनाने की बात हो, चाहे अन्य महिला समूह है उसको काम देने की बात है, केवल रीपा भर से नहीं बल्कि गौठान समितियों के माध्यम से बहुत सारे काम दिए जा सकते हैं, उनको दिया जाना चाहिए। बहुत सारी सब्जी बाड़ी जहां जमीन है तो सब्जी बाड़ी लगाने के लिए महिला समूह को दिया जाना चाहिए, और भी बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और दूसरे कार्य हैं जिससे जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके, इन कामों को और तेजी लाने की आवश्यकता है। और जैसे कि चौबे जी ने बताया कि अभी 10,000 से अधिक गौठान बन चुके हैं, हमारा लक्ष्य 11,000 पंचायतों का है, और उसके बाद जो आश्रित गांव हैं उन गांवों में भी अब उसको जहां आश्रित गांव में डिमांड है गौठान की, उसको भी स्वीकृति प्रदान किया जाए ताकि दूसरे जगह भी गौठान बन सके। तो अभी मुख्य रूप से बात यही है कि पानी की उपलब्धता, चारा की और छाया की, ये तीनों चीजों पे सभी, चाहे गौठान समिति हैं, हमारे सीओज हैं, कलेक्टर हैं, सभी विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के और कृषि विभाग के सब अधिकारी इसको देखें। अभी तक के जो प्राकृतिक पेंट है उसके निर्माण, क्योंकि कल मैं जैसे गया था तो उत्पादन तो कर सकते हैं वो और अधिक, लेकिन चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी संधारण का काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा तेजी लाएं ताकि प्राकृतिक पेंट अचानक से आप सब डिमांड करेंगे तो फिर पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए कुछ स्कूलों में जहां संधारण के कार्य पूरे हो गए हैं तो तत्काल उसमें पेंटिंग का काम भी शुरू हो ताकि प्राकृतिक पेंट के सप्लाई भी किया जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को, गौपालकों को, स्व सहायता समूह के बहनों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर।